विश्व में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर रीवा आब्स गायनी सोसाइटी द्वारा संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निर्णायक डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर प्राची सागर, डॉक्टर मेघना मिश्रा ने विशेष भूमिका। कार्यक्रम का आयोजन सेक्रेटरी डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, सभी डॉक्टर बरिया, डॉक्टर रेखा सिंघल, डॉक्टर अनुपम जैन, डॉक्टर निशा गुप्ता, डॉक्टर शैलजा सोनी और डॉक्टर प्राची सागर, डॉक्टर ऋचा पटेल, डॉक्टर क्षमा विश्वकर्मा, गुंजन गोस्वामी, डॉक्टर अर्चना पांडे और अन्य डिपार्टमेंट के सभी नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह प्रताप 1 अगस्त से 7 अगस्त तक गायनी सोसाइटी द्वारा संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा रंगोली एवं पोस्टर बैनर प्रतियोगिता की गई, जिसमें फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर की नर्सिंग छात्राओं ने भाग लिया। लगभग 32 स्टूडेंट नर्सेज विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महाराजा बाड़ के हॉल में प्रोजेक्टर के माध्यम से एक फिल्म भी दिखाई गई। महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़तापूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है। साथ ही इसका यह उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। WHO की नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त माँ का स्तन का दूध कोलेस्ट्रम संपूर्ण आहार होता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पद्मा शुक्ला जानकारी देते हुए बताया, 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतया बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। बच्चे से माँ और शिशु दोनों को फायदा होता है। शिशु को होने वाले अच्छा और संपूर्ण आहार होता है। माँ का दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, शिशु को रोगों से बचाता है, वहीं शिशु की वृद्धि भी अच्छे से होती है। इसी कड़ी पर सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विश्व भर में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान से होने वाले फायदे बताए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है शुरू में बच्चे के 6 महीने तक की पूरी ग्रोथ के लिए और पूरे विकास के लिए। इस अवसर पर आज यहाँ पर संजय गांधी मेडिकल अस्पताल के गायनी विभाग में नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के द्वारा हम गायनी वाले डॉक्टर्स ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए और सबने बहुत उत्साहपूर्वक हर्षित होकर सबने भाग लिया है। एकदम से आज ये क्योंकि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह चल रहा है, तो उसके माध्यम से स्तनपान के फायदे बताए गए, कैसे कराना चाहिए, उसकी सही टेक्निक क्या है, स्तनपान के बाद माँ को बच्चे को उल्टा या फिर करवट से लेटाना चाहिए और किस तरह से अच्छे से करा सकते हैं स्तनपान, और स्तनपान से माँ को क्या फ़ायदे होते हैं और शिशु को क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब बताया गया है। और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया गया है कि कैसे वो स्तनपान को और बढ़ा सकते हैं। आरओजीएस कमेटी के थ्रू हम ये विश्व स्तनपान दिवस मना रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आमतौर पर लोग बॉटल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्या है उसका उद्देश्य? बॉटल से बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो ऊपर का दूध पिलाया जाता है, तो वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। बच्चों में डायरिया हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है।